हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनिशिएशन ऑफ फिजिक्स. इमेजिन, इन्वेंट, इंस्पायर. लेट्स स्टार्ट इट. दिस क्लास इज अबाउट सर्कुलर मोशन. 12th क्लास का रोटेशनल डायनेमिक्स जो चैप्टर है उसका सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलर मोशन के बारे में. किसी भी टॉपिक की डेफिनेशन उसके वर्डिंग में ही रहती है, उसके नेम में रहती है. तो यहाँ पे जो नेम दिया गया है आपको सर्कुलर मोशन, तो उसी हिसाब से ये वर्क करने वाला है. What is meant by circular? Goal, motion, घूमना. तो goal घूमना. तो उसकी definition बन जाती है कि अगर कोई भी particle goal घूमता है तो goal घूमने के लिए उसे कुछ चाहिए. तो center दे दिया हमने, तो center के along अगर goal घूमती है particle कोई भी तो उसे हम बोलेंगे circular motion. A basic definition of circular motion is an object which revolves around the circumference of circle is called as circular motion. ठीक है, एक ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट है वो सर्कल के अलोंग अगर गोल गोल घूमता है तो उसे हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन. यहाँ पे हमने सेंटर ले लिया ओ. ठीक है, इस सेंटर के अलोंग अगर हम देखेंगे तो पार्टिकल कैसे गोल 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 घूम रहा है, तो इसे हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन. अभी देखिए, यह इस पॉइंट को हम रोटेशनल मोशन से कैसे लिंक कर सकते हैं. ये अगर इस पॉइंट से मैंने अगर एक्सिस डाल दी ऐसे, ठीक है, इफ आई केप्ट एन एक्सिस फ्रॉम द सेंटर then the object is revolve around the circle of the center and the axis. ठीक है, वो axis के along गोल गोल घूम रहा है और center के along भी गोल गोल घूम रहा है. तो हमने यहाँ पे circular motion की definition को rotational motion की definition से link कर दिया. अगर ये आपको अच्छा लगा तो एक like जरूर कीजिएगा. तो यहाँ पे देखिए कि ये एक्सिस के थ्रू अगर गोल गोल घूमता है तो उसे भी हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन बोलेंगे. यहाँ पे अगर हमने डेफिनेशन देख लिया तो मोमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल और रोटेशन अलोंग द सर्कुलर पाथ, दोनों की एक डेफिनेशन हमने बना ली सर्कुलर मोशन की. इसकी डेफिनेशन आपने 11th क्लास में जरूर पढ़ी होगी. ठीक है, उसको हमने इलेबोरेट किया. अभी देखिए यहाँ पे एक पार्टिकल है, इसको नाम दे दिया हमने ए. यहाँ पे पार्टिकल चला गया, इसको नाम दे दिया हमने बी. ठीक है, फ्रॉम ए टू बी इस पार्टिकल इज मूविंग, इट हैव सम टाइप ऑफ वेलोसिटी, इसे कुछ ना कुछ वेलोसिटी मिलने वाली है, उसको हमने दे दिया वी. तो हमें पता है यहाँ से अगर वेलोसिटी उसे मिल रही है तो यहाँ तक जाने तक उसकी वेलोसिटी कुछ चेंज हो जाएगी. तो इस वेलोसिटी के चेंज की वजह से इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन, बिकॉज चेंज इन वेलोसिटी. ए वेलोसिटी की वजह से चेंज जो हो रहा है वेलोसिटी में, तो इस वजह से इसको बोलते हैं हम एक्सेलरेटेड मोशन. और यहाँ पे देखिए, अगर हमने थोड़ी देर बाद के बाद देखा ये पार्टिकल घूमते हुए वापस उसी पॉइंट पे आ रहा है, मतलब आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है, द मोशन ऑफ पार्टिकल रिपीट्स इटसेल्फ. मोशन ऑफ पार्टिकल रिपीट इटसेल्फ. थोड़ी देर बाद वो पार्टिकल गोल गोल घूमते हुए उसी पॉइंट से जा रहा है, तो हम उसे बोलेंगे पीरियोडिक मोशन. तो दो पॉइंट हमने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स में लिया है. फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट, कि इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन. सेकंड पॉइंट इज व्हाट, इट इज एन पीरियोडिक मोशन. एवरी सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन, एवरी सर्कुलर मोशन इज पीरियोडिक मोशन. Every circular motion is accelerated motion. Every circular motion is periodic motion. But let us consider that point, a particle is moving from A to B. ठीक है, particle A से B तरफ जा रहा है. तो ये जो linear path follow कर रहा है, उसे हम बोलेंगे linear distance s. क्या बोलेंगे उसे? Linear distance s, या फिर D से denote कर सकते हैं, आपकी मर्जी. मैं तो s से denote करने वाला हूँ. यहाँ के particle जो angle बना रहा है, यहाँ से जो angle बनेगा, देखिए ये angle ऐसे घूमते हुए जा रहा है, तो angle बनाएगा. ये जो angle बना रहा है यहाँ पे हमने ले लिया theta. तो देखिए यहाँ पे interrelated quantities आ गए. linear में उसको हमने distance बोला, angular में हमने angle के लिए इसको angular distance बोला, या फिर हम इसे लिख सकते हैं दो quantities यहाँ पे, distance और displacement. We know that in linear quantities we are taken as s and in angular quantity we are taken as theta. इसका unit जो रहता है वो SI unit meter रहता है, और इसका जो unit रहता है वो radian रहता है. हमने बाद में देखेंगे कि velocity को क्या करते हैं, तो velocity को हम linear में लिखते हैं v.
इसका यूनिट जो होता है वो मीटर पर सेकंड होता है, और इसे हम लिखेंगे ओमेगा। इसका जो यूनिट रहता है वो रेडियन पर सेकंड रहता है, ठीक है। और थर्ड क्वांटिटी हमारे पास आती है एक्सेलरेशन, तो इसे हम लिखते हैं ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसे यहाँ पे लिखते हैं अल्फा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। थोड़े टाइम बाद जब आप अगला वीडियो लेक्चर देखेंगे तो वहां पे हम कुछ डेरिवेशंस करने वाले हैं फॉर द सर्कुलर मोशन, वहां पे ओमेगा एंड अल्फा की जरूरत पड़ने वाली है हमें, तो उसका नोटेशन याद रखिए। व्हाट इज मीन बाय अल्फा, इट इज एन एक्सेलरेशन, व्हिच इज एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। व्हाट इज ओमेगा, इट इज वेलोसिटी, व्हिच इज वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, वेरी गुड। और उसके साथ थीटा क्या आता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, वो भी किसका, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आपको मेरे साथ रिपीट करना है ताकि ये आपको इजी जाए, वापिस जाके आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, जब ये 10 मिनट्स का लेक्चर बनेगा उसी में आपको वो याद आना चाहिए। तो हमने इस क्लास में अभी तक पढ़ा सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन, व्हाट इज मीन बाय सर्कुलर मोशन, उसके साथ साथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, और लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज का डायमेंशन, उसे क्या क्या लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये जो मोशन मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसे हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स। तो ये दीज वेलोसिटी एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट, दीज आर द काइनेमेटिकल क्वांटिटीज, इसको क्या क्या बोलेंगे हम, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, इसे क्या बोल सकते हैं हम, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन के काइनेमेटिक्स बोल सकते हैं, क्योंकि काइनेमेटिक्स डील्स विद द मोशन, ओनली मोशन। जब मोशन की बात आती है तब काइनेमेटिक्स आता है, यहाँ पे जो काइनेमेटिक्स है वो मोशन के साथ डील करने वाला है। और मोशन क्यों आती है, किस वजह से आती है मोशन, तो मोशन आती है बिकॉज ऑफ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, सो दिस क्वांटिटीज आर द काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पे हमने पॉइंट देखे डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक, ये आपको याद रखना है। एक्सेलरेटेड मोशन क्यों आ रही है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है। पीरियोडिक मोशन क्यों आ रही है, वापिस रिपीट इटसेल्फ, पाथ वो जो कर रहा है वो क्या कर रहा है, उसका पाथ रिपीट कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे और एक पॉइंट हम लेंगे, ये जो वेलोसिटी जो रहती है, ये वेलोसिटी ऑलवेज टेंजेंशियल रहती है, ऑलवेज टेंजेंशियल। अगर वेलोसिटी टेंजेंशियल हो गई, ये रेडियस हो गया, तो वेलोसिटी एंड रेडियस में डिस्टेंस जो एंगल बन जाएगा वो 90 डिग्री एंगल बनने वाला है। अभी ये 90 डिग्री एंगल अभी इंपॉर्टेंस नहीं है इसका, बट जब हम डेरिवेशन करने वाले हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बाद नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तब ये आपको 90 डिग्री का एंगल का मीनिंग पता चलेगा, क्यों हम ये 90 डिग्री का इतना इंपॉर्टेंस अभी दे रहे हैं। तो जो चैप्टर में पॉइंट्स है उसको क्लियर आउट करने के लिए इज द बेस्ट वे टू थिंक अबाउट द लॉजिकल थिंग्स, जो लॉजिकल थिंग लॉजिकल जो पॉइंट्स है उसके बारे में सोचना आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छे से सोच पाओगे इसे तो आपको इसको इंटरलिंक करना आ जाएगा। तो हमने इसमें पढ़ा सर्कुलर मोशन के डेफिनेशन के साथ कैरेक्टरिस्टिक्स और काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, तो इसको इलेबोरेट करने की जरूरत भी नहीं है और ना ही इसे ज़्यादा कुछ डेप्थ में जाने की जरूरत है। बस हमें यही देखना था कि सर्कुलर मोशन का मीनिंग क्या होता है। अगर आप बेसिक से बेसिक सोचना चाहते हैं, मतलब आपको अभी तक कुछ पता नहीं सर्कुलर मोशन के बारे में, तो इतना ही ध्यान में रखना है आपको, कोई भी पार्टिकल अगर सर्कल में अगर घूमता है गोल गोल तो उसे हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन। मेरी तरफ से आपके लिए अगर पार्टिकल गोल घूमता है तो उसे बोलेंगे सर्कुलर मोशन। मेरी तरफ से आपको कुछ एग्जाम्पल वर्कआउट करना है, कुछ एग्जाम्पल लिखने हैं सर्कुलर मोशन के, मिनिमम 5 एग्जाम्पल्स। मैं बोलता हूँ कि आपको आपने डेली लाइफ में जितने भी क्वांटिटी जितने भी अगर आप देखोगे सराउंडिंग में, तो आपको आसानी से 5 एग्जाम्पल मिल जाएंगे। मेरी तरफ से मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ रोटेशन ऑफ फैन। तो आपको इसी तरह से रेगुलर लाइफ में जितने एग्जाम्पल है उसको सॉर्ट आउट करना है। क्यों रेगुलर लाइफ में एग्जाम्पल को सॉर्ट आउट करना है, इसके पीछे एक ही रीजन है, ताकि वो आपको समझ में आए व्हाट इज सर्कुलर मोशन, व्हाई इट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेटेड मोशन, व्हाई इट इज पीरियोडिक मोशन। अगर आप एग्जाम्पल को इलेबोरेट करना सीखोगे तो आपको वो टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा, एंड यू कैन डील विद द इजिली गो विद द डेफिनेशन ऑफ द टॉपिक, और वो लॉजिकली आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे सेफ स्टे होम।